नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अनुपमा अनुज के लिए वेट करती रहती है, लेकिन अनुज का कोई खबर नहीं आता है। अनुपमा अनुज को कॉल करती है, तब अचानक से अनुज का एक्सीडेंट हो जाता है। उससे आगे अनुपमा को अनुज के बारे में कुछ खबर नहीं मिलता है। अनुपमा का भी उसी दौरान एक्सीडेंट हो जाती है। उन लोगों को आपस में कितना कुछ कहना था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, फिर एक बार वो दोनों एक नहीं हो पाए। अनुपमा सीरियल में अब आप 10 साल के बाद की कहानी देखेंगे। पिछले 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। अनुपमा को बहुत दिनों के लिए अनुज और आप्या का कोई खबर नहीं आता है। अनुपमा उनके फोटो देखती रहती है। अनुपमा बोलती है कि मैं बस एक बार आप दोनों को देखना चाहती हूँ, आप लोग किधर हो, आवाज तो दीजिए। अनुपमा सुबह उठ के पूजा करती है। अनुपमा अब एक आशा भवन में रहती है, जहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। वहाँ श्याम परिवार में वनराज एकदम बदल गया है, वनराज एकदम अमीर हो गया है, लेकिन अनुपमा में 10 साल के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। अनुपमा अभी भी एक साधारण जिंदगी गुजार रही है। अनुपमा आश्रम में गाय और कुत्तों को खाना खिलाती है, बुजुर्गों का भी देखभाल करती है। अनुपमा सीरियल के इस नए अध्याय में अभी क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या नया मोड़ आएंगे, कौन कौन सी नई किरदार बनेंगे, अनुज और अनुपमा के अधूरी रिश्ते में अगला पड़ाव क्या होगा, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।